नमस्कार बंधुरा, आमी नीला और आपनारा देखछेन नेचर विथ नीला। बंधुरा आज के आमी चले एसेछि इंडो इजराइल सेंट्रल अफ एक्सिलेंस फर मैंगो, जेटा अवस्थित उत्तर प्रदेशर बस्ती। एटा एक सबचे बड़ो आम्र गवेषणा केंद्र। एखाने विभिन्न प्रजातिर आमेर चाष करा हय आम गाछे, एबं चाषीदेर जन्य विभिन्न भावे आम गाछ खूब कम दामे पावा जाय। এখানে যে সমস্ত আম গাছ আপনারা দেখছেন, এগুলো এই যে আমটা দেখছেন এটা হলো নীলাম আম। নীলাম আমটাও কিন্তু খুব ভালো। আপনাদেরকে একবার আমি গাছের আমটা দেখাই। আমি যে সময় এসেছি এখন আম প্রায় শেষের মুখে, তাই বেশি আম আমি দেখাতে পারবো না। আর এই ইন্দো ইসরায়েলের এই যে প্রজেক্টটা আছে এর উপরে আমি পরে আরেকটা ভিডিও দেব, যেখানে প্রত্যেকটা মাদার গাছ আমি ধরে ধরে দেখাবো। আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হলো এখানকার যিনি ডাক্তারবাবু আছেন উনি আমাদেরকে সম্পূর্ণ তথ্য দেবেন আম গাছ চাষের জন্য, বা এই সমস্ত গাছ কতটা দূরত্বে লাগাতে হবে, কি কি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে, কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, যাতে আম গাছ খুব ভালো হয়। তাই যারা আমের বাগান করতে চাইছেন বা আম নিয়ে চাষ করতে চাইছেন তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওটা দেখুন, আশা করি আপনাদের উপকার হবে। বন্ধুরা, এই আম্র গবেষণা কেন্দ্রে আপনারা পূষা, লালিমা, সুরাইয়া, শ্রেষ্ঠা, পীতাম্বর, অরুণিমা এই সমস্ত গাছের সাথে CISH যেটা লখনউতে অবস্থিত তাদের দেখুন, অম্বিকা, অরুণিকা এগুলোও পাবেন। তার সাথে কিছু বিদেশি ভ্যারাইটি পাবেন, সেনসেশন পাবেন, টমি অ্যাটকিন্স পাবেন, সমস্ত গাছের মাদার গাছ দেখতে পাবেন। আর এখানে 50-57 টাকায় গাছের চারা পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকটা মানুষকে এক একটা ভ্যারাইটি 4-5টার বেশি দেওয়া হয় না। আগে অনেকটা করেই দেওয়া হতো, কিন্তু বর্তমানে নতুন নিয়ম জারি হয়েছে যে প্রত্যেকটা ভ্যারাইটি 4-5টার বেশি দেওয়া যাবে না। আপনারা এখানে এসে গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারেন। আর এখানে দেখুন প্রচুর গাছ রয়েছে। আমি বলেইছি যে পরবর্তী ভিডিওতে আমি অবশ্যই সে সমস্ত গাছগুলো ধরে ধরে দেখাবো। আগে আজকের ভিডিওতে চলুন আমরা জেনে নিই ডাক্তারবাবু আমাদেরকে আমের বিষয়ে কী কী উপকারী তথ্য জানাবেন। ডক্টর অতুল সিং, সংযুক্ত নিষেক উদ্যান বস্তি মে ইহি পর ইন্ডো ইসরায়েল প্রজেক্ট কে অন্তর্গত সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর ফ্রুটস স্থাপিত হুয়া হ্যাঁ, যে 1918 মে ইয়ে উত্তর প্রদেশ কা পহলা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর ফ্রুট হ্যাঁ। পর মুখ্য রূপ সে আম কে পৌধে গুণতে পৌধে তৈয়ার করকে কিসানো কো উপলব্ধ করাযা যা রা। ইসকা সাথ সাথ আম কে বাগবানি সে কেসে অচ্ছি আমদানি মিলে उसके यहाँ पर प्रदर्शन लगाया गया है कि यहाँ के हम बागवानों को प्रशिक्षण देते हैं कि आम की बागवानी से ज़्यादा आमदनी, इसको कैसे लाभकारी आमदनी बना करके हम एक व्यवसाय के रूप में कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर हम पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ पे जो भी वैरायटी है उसमें से जो अंबिका है और अरुणिका है ये किस रिसर्च सेंटर से बनाया गया है? अंबिका अरुणिका CISH रहमान खेड़ा लखनऊ में संस्थान है भारत सरकार का, वहां से ये विकसित हुई है। इसी तरीके से एक हमारा भारत सरकार का बड़ा संस्थान जो कृषि में काम कर रहा है IRI एग्रीकल्चर रिसर्च अनुसंधान केंद्र पूसा में है, वहां से आम की पूसा लालिमा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा इस तरह की जो है कुछ किस्में विकसित हुई। ये भी आज के समय में रेगुलर फसल देने वाली रंगीन किस्में है और हर साल फल देती है, और इसकी जो हर साल फल देने के कारण का पौधा बहुत अधिक विकसित नहीं होता, छोटा रहता है। तो सघन बागवानी जिसमें हम परंपरागत की तुलना में जो हम 1 हेक्टेयर में 10x10 की दूरी पर हम 100 पौधे लगाते थे, इनको हम 6x4 मीटर की दूरी पर रखते हुए हम 416 पौधे लगा लेते हैं। पौधों की संख्या 4 गुनी आती है, हम इसमें आमदनी इसमें हम 2-3 गुनी आमदनी इससे हम ले लेते हैं। अच्छा, और इसमें मैंने सुना है कि कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं ये सब वैरायटी में? कीड़े मकोड़े हाँ, जो हमारी और जो है जैसे हमारा चौंसा है, आमपाली है, इसमें फल मक्खी ज्यादा लगती है, इसमें फल मक्खी का प्रकोप भी कम देखा गया है, जैसे श्रेष्ठा वो लालिमा ये सब। अच्छा अच्छा, और ये तो खाने में भी बहुत अच्छा है मैंने सुना है। अभी तक इसका जो मुख्य इसका जो है आकर्षक है इसका रंग, ये रंगीन किस्में हैं, रंगीन किस्में आम में रंगीन किस्में पहले नहीं होती थी, आम में हरी और ज्यादा इसका पीला रंग हो जाता था, तो पकने पीला तो अच्छा लगता है लेकिन हरे किस्म को उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि लाल लाल रंग का लालिमा लिया हुआ रंग जो है वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है, तो बाजार में इसकी मांग बहुत अच्छी है। अच्छा,
और सर किसानों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि अगर कोई किसान अगर खेती करना चाहे ये लालिमा श्रेष्ठा या अंबिका अरुणिका का, तो ये लोग क्या मतलब दस वो जो 10 फीट से कम में भी ये लगा सकते हैं? अच्छा, क्योंकि तो हम आम की सघन बागवानी के माध्यम से जो पुरानी सिस्टम है उससे हम 4 गुना अधिक पौधे लगाते हैं। उत्पादन शुरू में जो उत्पादन मिलता था वो करीब 15 साल बाद आम में अच्छा उत्पादन मिलता था, लेकिन इसमें लगाने के 4-5 साल से ही अच्छा उत्पादन मिलने लगता है। और सघन बागवानी होने के कारण किसान इसको अच्छी तरीके देखरेख भी कर लेता है। फल होते हैं, फलों में बैगिंग करना, फलों को तोड़ना, फलों में जो कीड़े लगते हैं उसमें स्प्रे करना काफी आसान रहता है। तो हमारा ज्यादातर फल जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उसमें फल तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, फल तोड़ते हैं ऊपर जमीन से गिरता है तो उसमें डैमेज बहुत होता है। तो हमारा 40% आम फल तोड़ाई के बाद सड़ जाता है। तो इस तरह की बागवानी करने में हमारे चूंकि पौधे छोटे रहेंगे, सघन रहेंगे, उनकी हम ट्रेनिंग पूनिंग उसमें उसका कहना मैनेजमेंट अगर हम रेगुलर करते रहेंगे, पौधों का आकार अच्छा रहेगा, उसमें हसा फल आएंगे, फल जो आएंगे अच्छे साइज का आएगा, अच्छी क्वालिटी अच्छी होगी, रोग रहित होंगे। उसमें अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए बैगिंग का इस्तेमाल करना चाहेंगे आसानी से बैगिंग होगी, आसानी से तुड़ाई हो सकेगी, उसकी तुड़ाई के बाद हम उसको बाजार में और यहाँ तक कि अपने लोकल बाजार के अलावा हम विदेशों में भी इसकी हम आपूर्ति करने में हम सफल होंगे। अच्छा, और ये जो आम का खेती है, ये आम के खेती में कुछ टिप्स आप दीजिए कि दवाई साल में कितनी बार स्प्रे करना चाहिए या फंगिसाइड कोई लगेगा कि नहीं लगा, इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। आम में जो सबसे ज्यादा बीमारी आती है वो फूल आने के बाद उसमें एक हॉपर आता है जो कीड़ा है, फूलों का रस चूसता है, और दूसरा एक पाउडर मिल्ड्यू एक फंगस है वो उसमें उसके कारण हमारा जो बौर है उसमें जब इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तो फूल झड़ जाते हैं और उसमें फल नहीं लगते हैं। इसको बचाने के लिए पाउडर मिल्ड्यू के लिए हम उसमें लगभग 3 स्प्रे फूल में जो हमारा खिलने से पहले और उस फल जब सरसों को बराबर हो जाए और तीसरा हम मटर को बराबर हो जाए तो हम इसमें शुरू में हम सल्फर पाउडर या दूसरा स्प्रे हम कैलेक्सिन या हम बाविस्टिन का करते हैं 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। इसी तरीके से हम मैंगो हॉपर से बचाने के लिए एक इमिडा जो रस चूसने वाला कीड़ा है उससे कंट्रोल करने के लिए हम इसको इमिडा क्लोरोपिट थायोमेथेग्याम इस तरह के रसायन है जो हम इसके स्प्रे करने से हम पौधे में कीड़े को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम पौधे में पुराने बाग जो हो जाते हैं साफ सफाई नहीं करते हैं तो उसमें एक मिलीबग कीड़ा है जो पेड़ों में जमीन से निकल के चढ़ता है और ऊपर चला जाता है उसके फलों को, उसको मिलीबग को बचाने के लिए हम दिसंबर के पहले नवंबर में हम खेत की अगर जुताई कर दें और वहां पर फॉरेस्ट डस्ट का स्प्रे कर लें जो जो हमारे जो मिलीबग के अंडे से निकलने वाले कीड़े हैं दवा से जब उसमें फल डाल डस्ट या क्लोरोपाइरीफॉस का हम दवा उसमें मिला करके और पेड़ों के थाले के पास स्प्रे कर देंगे तो वो हमारे कीड़े हम शुरू में ही उसको नष्ट करना आसान हो जाता है। अगर उस समय नहीं बचा पाए तो कीड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत अपने ऊपर एक पाउडर नुमा कवच बना लेता है, फिर कितनी भी दवा डालो कंट्रोल नहीं होता। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम नवंबर के महीने में उसके थाले के आसपास हम जुताई करके कर दें और उसके बाद उसी समय हम पेड़ के तने में प्लास्टिक की बेंड कर दें, प्लास्टिक का एक हम 8-10 इंच की चौड़ाई की प्लास्टिक बेंडिंग जैसे फीता होता है तो 4-8 इंच चौड़ा फीता हम तने में बांध देते हैं जिससे कि कीड़ा उस प्लास्टिक की शीट को चढ़ नहीं पाता और गिर पड़ता है, तो वो बांधने से भी हम कीड़े को पेड़ पर चढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी पेड़ की फसल को बचा सकते हैं। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। বন্ধুরা, আমরা বাঙালিরা কিছুটা হলেও হিন্দি বুঝি, সেই কারণে হিন্দিতে আর ট্রান্সলেট করলাম না। আর এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি হচ্ছে। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে বলবেন, আর প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।